बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम आपसे यहाँ पे हमने छोड़ा था ना, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करना है अभी हमने, तो इसकी पहले नहीं ये पढ़ेंगे ग्रामर ज़रा सी। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 ऑफ द ग्रामर। We have learned in the previous lesson the formation of ismul fa'il from the salim verb. Now we learn its formation from the non-salim verb. ये खत्म हो गया ना, हमने किया था मुदाफ हाजुन, ठीक है फिर कर लेते हैं। हाँ ये नंबर 3 करना है हमने। नंबर 3 मफ़ूल फा इस्मुल फ़ाइल लोग मफ़ूल करने और एक्सरसाइज भी ठहरन देख लें मतलब उसमें भी। अच्छा तामुल इस्मुल फ़ाइल ये हमने किया था कर नहीं किया? नहीं किया, यहाँ से शुरू करना। और यहीं से इसको पहले कर लेते हैं फिर आगे मफ़ूल। तामिलुल मिसालुल तामलिल मिसाला तामलिल मिसालल इस्मा ली इस्मिल फाइली। अच्छा ली इस्मिल फाइलिल ओके तामिलिल मिसा तामिलिल मिसाला ओके अच्छा तामिल जो है ओके ऑर्डर है ओके ऑब्जर्व करें गौर करें ठीक है ऑर्डर फेल अम्र है इसलिए ओके ठीक है। ऑब्जर्व द एग्जांपल ली इस्मिल फाइल विथ इस्मिल फाइल फॉर द इस्मिल फाइल फाइल के एग्जांपल है उस पर गौर करें ओके फॉर इस्मिल फाइल मसूगा अल मसूगु अब यहाँ पे कसरा होगा कि उस पिछले वाले की वजह से, तो यहाँ पे मसूग का मतलब है क्राफ्टेड। ओके सो ओके सो ली इस्मिल फाइल मसूगी मिन अल फ़अल अल मुज़अफ़ी फेल मुदफ क्या होते हैं फ़अल मुज़अफ़ी जिसमें ये शद्दा वाला हर्फ होता है, यानी कि दो हर्फ सेम होते हैं ओके उसको हम फेल मुदफ कहते हैं। ठीक है विद दी फेल मुदफ मुदफ मैं कह रहा हूँ इस मिसाल पर गौर करें जिसमें इस्मुल फाइल को बनाया गया है इसमें और जिसमें इस्मुल फाइल को बनाया गया है फेल मुज़फ से, तो ये अब फेल मुज़ाफ है और इससे हमने इस्मुल फाइल बनाया है। कैसे बनाया ये सारा तरीका उन्होंने लिखा हुआ है। सुम्मा अकमिल नाकिस फिर तुम ये जो नामुकम्मल है यानी इनका जो मुकम्मल नहीं है डिफेक्ट है इसको आपने मुकम्मल करना है। ओके अच्छा जी इस वो तरीका आपको याद दे होगा कि हमने बस ये पढ़ा था उसका पैटर्न होता है फाइलुन। क्या पैटर्न होता है? फाइलुन हाँ फाइलुन। अब इस हज्जा से हमने वो पैटर्न बनाना है, तो पैटर्न बनाने के लिए पहले हमने क्या किया बीच में एक अलिफ डाल दिया ठीक हो गया। अब फाइलुन आइन के साथ कसर है तो इस पहले जीम के साथ हमने कसरा लगा दिया जो आपको ये नज़र आ रही है ठीक है। आखिर में लाम के साथ तनवीन है तो इसलिए हमने जीम के साथ भी तनवीन लगा दी, तो ये अब देखें फाइल उनका पैटर्न बन गया ठीक है। लेकिन ये जो प्रोनाउंसिएशन है इसमें थोड़ी इतनी ईजी नहीं होती है, वैसे भी दो हर्फ सेम है तो हम क्या करते हैं इस जीम को सुकून दे देते हैं और इस पर शद्दा लगा देते हैं तो ये बन जुन ठीक हो गया ठीक है तो बस तरीका मैन क्या है पहले हमने फाइल उनका पैटर्न बनाना है अलिफ लगा के कसा लगा के तनवीन लगा के और फिर उसमें से जो दो सेम हर्फ होंगे उन पर शद्दा लगा देनी है पहले को सुकून देकर बस। ये सिंपल सी चीज़ है और जो फेल इस तरह का होता है उसको हम फेल मुज़ाफ़ कहते हैं। कोई सवाल? सुम्मा अकमिलुल नाकिस का मतलब है देन कंप्लीट द नाकिस हां बिल्कुल नाकिस को मुकम्मल करें जो अनकम्प्लीट है जो डिफेक्टिव है उसको मुकम्मल करें। तो नाकिस एक अलग वर्ब है ना कि वो नाकिस कह रहा है कि इसके यहाँ पे नाकिस अनकम्प्लीट वर्ब है बिल्कुल लेकिन यहाँ पे वो इसके खालजी का के सेंस में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो इनकम्प्लीट है उसको मुकम्मल करें, तो यहाँ पे हम अच्छा इसका इनकम्प्लीट वाला मतलब इस्तेमाल करेंगे। वैसे फेल नाकिस होता है बिल्कुल ठीक है लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे जो इनकम्प्लीट है उसको मुकम्मल करें अनफिनिश। ओके ठीक है
हज्जा हाजुन इन असली हो इट्स हाजिजुन ठीक है हज्जा इज ही मेड हज ही डिड हज ही डिड हज हाजुन इज हज डन क्या मतलब है हाजुन हज वाज डन नो 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 हाजुन इसम है इसम मतलब वो बंदा है जिसने हज किया ओके जैसे आप हाजुन ने आपने हज किया है ना तो आप हाजुन है तो हाँ जी ओके ठीक है हज करने वाला ठीक है अच्छा ओके इस्मुल फ़ाइल वो होता है जो होता है इस समय लेकिन मतलब फेल कर देता है एक तो लफ्ज़ होता है ना हाजिन वो इस समय ये जो है ये इस्मुल फ़ाइल है यानी कि ये मतलब फेल कर देता है हमें होता है इस समय हज करने वाला ओके ठीक है द नेक्स्ट सो द वन और जस्ट हाजी राइट आई मीन जस्ट ओके नेक्स्ट जन्ना इज ही थॉट ठीक है ओके तो यहाँ पे असली हु वुड बी जानिनुन नुन ठीक है तो ये बन जाएगा जानुन ठीक हो गया जानुन इज थिंकर हाँ ठीक है थिंकिंग भी कह सकते हैं थिंकर थिंकर जो के लिए वैसे स्टूडेंट वो लफ्ज होता है जानिन ही या जानुन जानुन थिंकर भी हो सकता है या फिर सस्पेक्ट भी हो सकता है ना जो भी है नहीं नहीं सस्पेक्ट नहीं है तो इसका मतलब जन्ना जो है इट्स ही थॉट राइट बिल्कुल तो जो यहाँ पे थिंकर हो जाएगा या फिर ठीक है हु थिंक्स या वन हु द वन थिंक्स हू थिंक्स ठीक है मर्रा मर्रा जो है ही पासेस हाँ ही पास के एग्जाम ही पास ही पास्ड ओके सो यहाँ पे जो है मारीरुन ठीक है ये हो गया मारुन ओके वन हु पासेस नेक्स्ट जोल्ला इज ही डेल्यूडेड ही डिसीव ही एस्ट्रेड गुमराह हो गया वो वाला दौलीन वाला जो मतलब है ना ये वो वाला फेल है या स्ट्रेट जालिलुन ये हो गया जालुन वन हु इज एस्ट्रेट नेक्स्ट इज दल्ला दल्ला जो ही स्पॉइल्ड दल्ला ही इंडिकेटेड ही शोड द वेड ही रिकमेंडेड इन मतलब में इस्तेमाल होता है शोर और रिकमेंडेड दलालत करना ठीक है दिस विल बी दालिलुन तो दालुन ठीक हो गया तामिलिल मिसाला ली इस्मिल फाइलिल مسوغي من الفعل الأجوفي أجوف الواوي ثم أكمل الناقص so same thing observe the example for اسم الفاعل crafted with the أجوف verb अजवफ वाव वी वर्ब फेल अजवफ किसे कहते हैं फेल अजवफ जो है जो हमने पढ़ा था जो आई थिंक जो करने वाला ना जो जो है हु डज थिंग्स राइट नहीं वो तो फेल सारे के सारे डज ही होते हैं कुछ हाँ ना तो कुछ इसमें कर रहे होते हैं अच्छा अजवफ में जो है
आपको दो चीज़ें, एक तो वाव है, दूसरा जो या है। तो जो वाव जो है आपका, फॉर एग्जांपल खाइलुन खाविलुन जो हो जाता है वैसे। लेकिन अजवफ, अजवफ जो आई थिंक हमने पढ़ा था, जिसका जो है जिसमें अलिफ या वाव या हो। फेल अजवफ से मतलब वो होता है जिसका एक हर्फ जो होता है वो वाव हो, ठीक अच्छा है। सिर्फ वाव, अलिफ अलिफ और या भी हो सकता है ना? नहीं हो सकता, उसके लिए अलग अलग कैटेगरी होती है। लेकिन बस मैं चले आसानी के लिए आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ, इसका एक हर्फ हर्फ इल्लत होता है। कौन सा एक हर्फ? जिसमें भी एक डिफेक्टिव हर्फ हो, एक वीक हर्फ हो, उसको हम फेल अजवफ कहते हैं। ओके, तो फिलहाल ये आसान कर लें, कोई इतनी गहराई में पढ़ने का फायदा नहीं है। ओके तो देन ओके देन फिनिश द इनकम्प्लीट। ठीक है, सो फर्स्ट इज काला यकुलू, ही सेज, कालुन वन हु सेज। तो असली हूँ ये सिर्फ काबिलुन है, हाँ जी, बट इट बिकम्स काबिलुन। सेम थिंग जारा इसमें असल में जो था ना यहाँ पे वो था कवाला था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था प्रोनाउंसिएशन उसकी, तो हमने कौला कर दिया, इसलिए इसको अजवाफिल वाओ कहते हैं। लेकिन उस चीज़ में चलो अभी पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, वैसे मैंने आपको बता दिया था कि जहन में आपके लिए अगर तो ठीक है, वरना मसला नहीं। आप जरा और करें, गेट पे कोई आया मैं देखूँ कौन है। ओके अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कंटिन्यू करें। ओके काला यकुलु, ही सेड, ही सेज, सो काइलुन वन काबिलुन। ठीक है, नेक्स्ट ज़ारा यजूरु, ही विजिटेड, ही विजिट्स, ज़ाइरुन वन हु विजिट्स, असलिहु ज़ाविरुन। असलू जाविर, हाँ
ओरिजिनली वो काबिलुन था राइट, असली उन ओरिजिनल करेक्ट. ओके सामा यसुमु, सामा यसुमु ही डिड फास्ट, ही इज फास्ट, ही इज फास्टिंग. सा सा इमुन वन हु फास्ट, असलु सा विमुन. Next, Nama Naimun, he slept, he is sleeping. Naimun, Nama Yanamu, he slept, he is sleeping. Naimun is one who sleeps. Okay. And then Aslu is Naavimun. Okay. Yahan pe likha hai, Ainu Waun wa Tadharu fil Masdari Naum. कोई समझ आई? आइन आइन जो है becomes so वाव becomes आइन. हाँ नो नो नो, वो कह रहे जिसका आइन वाला हर्फ है वो है असल में है वाव. इनके आइन में भी आपको अलिफ नजर आ रहा है ना आइन वाली जगह पे, फा आइन लाम ये तीन हर्फ होते हैं फेल के, तो आइन वाली जगह पे आपको अलिफ नजर आ रहा है. वो कह रहे उसका आइन उसका असल में वाव है जो जाहिर हो जाता है इसके मस्जिद में नौम, इसके मस्दर में इसका जो असली हर्फ है वो नज़र आता है हमें, और वैसे इसका असली हर्फ वो नज़र नहीं आता. ओके ठीक है. सो द आइन जो है हर्फ इज एक्चुअली वाव व तज़हरु फिल मस्दरी एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन द मस्दर. इट अपीयर्स इन द मस्दर फॉर्म. ओके so kala is actually kaula wahi hai. yes kawala, kaf ke upar fatha hai, waw ke upar fatha hai, lam ke upar fatha hai. kawala acha theek hai. theek hai next tamilil mithala li ismil fa'ilil masughi من الفعل الأجوف الياء ثم أكمل الناس ناقص. Observe the example with اسم الفاعل crafted with the أجوف ياء verb then finish the incomplete. بايا يبيو أصله it's بايون بايون so he sold he sells and then one who sells ba'iyun. Mala yamilu so ye kya hai he's he has money or he tips huh? Mala ka matlab hota hai mile hona, attract hona, lean karna kis cheez ki taraf mile hona, jaise Hazrat Adam Alaihis Salam ke bare mein tha ki wo inclined. ओके ये हो गया असलुह जो है माइलुन है तो वो ये मा. सारा यसुरु आप सारा ही वॉक्ड नहीं प्रोनाउंसिएशन जब आप करते हैं जी जी तो मा इलुन और मा इलुन में क्या है तो ये आइन ये हमजा जो है हमजा की तरह पढ़ना चाहिए कि आइन की तरह मा इलुन है मा इलुन है दूसरा मा यीलुन है जी लेकिन उसको पढ़ने का फायदा ही नहीं है मा इलुन. सो सारा यसुरु ही वॉक्ड एंड ही वॉक्स so sa sairun and then it is sairun sairun. okay theek hai next next would be asha yaushu yaishu yaishu asha yaishu he lives huh?
He lived and he lives. ठीक है So, यहाँ पे जो है ये हो गया ऐसा ये इशू वुड बी आ इशू ना आ इशुन ठीक है करेक्ट इशुन वन हु लिव्स नेक्स्ट वन इज साला यस Sala Yasilu. Sala is he asked and then he is asking. So yahan pe ho gaya. Ye ho jayega. Last pe zara gaur karein. Sala Yasilu. To ye ho jayega. Aala nahi hai, wo hamza hoti hai. Achha. Ye wo loves you ho raha hai. इसका मतलब पता है आपको ये पानी बहना या समथिंग कुछ होगा यस बहने के लिए होता है करेक्ट फ्लोड तो ये रिवर का फ्लो है या कोई भी फ्लो कोई भी फ्लो सुसाइलुन One which flows. Sailon. Next. So Tamilil Mithalil Tamilil Mithala Li Ismil Failil Masuri. من الفعل الناقص الواوي واوي ثم أكمل الناس ناقص ثم أكمل الناقص okay the same thing observe the example for this small file crafted from Napis wow verb then finish the incomplete okay. incomplete okay. Da'a yad'u he supplicates okay. he supplicated okay. next da'in Adda'iyu, so it becomes da'in. Aslu is da'ibun. Raja yanju. मतलब है? He survived or he survives, he escapes. ठीक है. नाजिन, अन्नाजी होगा फिर ये. बिल्कुल, अन्नाजी. वो सिंपल यहाँ होगा आखिर में. ठीक है, लेकिन जब अलिफ लाम नहीं होगा तो नाजिन हो जाएगा. हाँ, असल उर्दू नाजीवन. ठीक है, नाजीवन. Ya'fu is pardon. ठीक है. He pardon और जो है he is pardoning. Okay. Afu. Pardon. Okay. So it's afin. ठीक है, afin सही है. आफ़ीवुन और अगर अली इस्लाम लगाना है तो अल आफी
Okay. Next. Okay. Tala Yatlu. He recited. He's reciting. Reciting. So it will be Talin. ठीक है तालिन पर अलिफ लाम लगा दिए तो जो है अताली ठीक है अताली यहाँ पे जो है तालिबुन ठीक हो गया तामिल मिसाल लिल इस्म अल फाइल अल मसूगी मिन अल फाइल नाकिस अल या सो एक्सेप्ट जो है यहाँ पे होगा and then finish the incomplete okay so saka yasti saka usne pilaya He served, huh? He served. कह दें ठीक है. Sakin, one serves. Okay. Asaki, okay. Alif Lam, the one who serves. इसका meaning same है, right? Sakin और Asaki का. Asaki जो the one specifically, the one who serves. The one. तो ये दूसरे से Anybody who serves himself. Hada Yahdi, he guided, and then he guides. Okay, so, Hadin. Hada, he loves it, Hada. Hada Yahdi, Hadin ho jayega, one who guides. Bilkul, Hadin, correct. Al nahi aayega usme. Al Hadi. Al bhi hoga. Al Hadi, the one who guides. बस हादी जो जो है वो इनडेफिनेट है अलहादी डेफिनेट है ये फर्क है और कुछ नहीं ओके नेक्स्ट जनी यजनी जना यजनी ये क्या है द वन हु कमिटेड एडल्ट्री ओके तो इसका क्या है सानी या जानिन अज़ानी ओके नेक्स्ट बना यबनी ये क्या है ही बिल्ट ओके सो ही बिल्ट एंड यबनी इज ही इज बिल्डिंग एंड नाबिन इज वन हु बिल्ड्स नो बानीन होते हैं बानीन और जब अलिफ लाम होगा तो अल बानी ओके तो बानीन और अल बानी ठीक है देन बकी यबकी बकी इस अली मकसूरा को अपनी पढ़ते हैं अच्छा ये अली मकसूरा होता है इसको पढ़ते ही नहीं हम अच्छा सिर्फ बका इज ही क्राइड ही वेप्ट ही क्राइड ठीक है He wept. Okay. Yabki, he is crying. Uske baad, kin, the one who cries. Correct. Albaki, the one who cries. Then Nasiya. Okay, Nasiya is. He forgot. Nasim. He forgot. Yansa. He forgets. Then Nasim. One who forgets. Correct. And then Annasi. Annasi is one who forgets. And Nasin is. एक चीज़ है Nasin और Annasi एक चीज़ है. Okay.
next zu asma al sugo zu sugo su asma al fa'ilina min al af'ali al atiyati waskur nu waskur nawa كل فعل منها على نحو التالي. Correct. So سوق is سوق کا مطلب ہے formulate بناؤ. Formulate the اسماء الفاعل من الافعال from افعال الاتيه from the following verbs. And mention Nua. Nua kehte type. Wasko Nua. And mention the type of each verb. Yani kya adverb hai, naqis hai, salim hai, majhool hai, kya cheez hai, wo sab kuch batana hai humne. Okay. And mention the type of each verb. Ala nahw on the following way. Yani ki pehle aapne jo fail likhna hai wo aapse keh rahe hai ki fail likhein. फिर उसकी टाइप बताएं, फिर उसका इस्म अल फाइल बताएं जो उसे हुआ है बना है, फिर उसकी असल बताएं इस्म अल फाइल की असल क्या है. ये चार चीज़ें आपने करनी है. अब जैसे जलस है, पहले मिसाल पढ़ें ज़रा. फेल हज्जा है. बिल्कुल. अब इस हज्जा में फेल है, दो हर्फ सेम है तो हम कह देंगे ये फेल मुज़ाफ है. यानी इसकी जो टाइप है वो क्या है, फेल मुज़फ़ होगी. अब हमने इसे बनाना है, इस्मुल फ़ाइल बनाना है. तो उसके लिए हमने पैटर्न पढ़ा है फ़ाइलुन. तो हा के बाद अलिफ लगा देंगे, पहले जीम को कसा दे देंगे तो ये बन गया हा जी जुन, जो इसकी असल है. अब दो हर्फ सेम है चूँकि, तो हम इसको जीम को शतः दे देंगे तो हा जुन बन गया. ठीक हो गया. तो ये चीज तीन स्टेप हमने हल फेल के साथ करने हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं. तो पहला फेल है जलसा ही सेट. इसकी टाइप कौन सी है, ये कौन सा फेल है? जलसा फेल माजी है. फेल माजी है, ठीक है. फेल माजी में ये सही है या नाकिस है या जो है, क्या चीज़ है ये, या मुज़ाफ़ है? ये फेल सही है, इसमें कोई हमें अलिफ वाओ या कोई शद्दा वाला हर्फ नज़र नहीं आ रहा तो हम कहेंगे ये फेल सही है. ओके, फेल सही है, बिल्कुल. अब इससे आपने अगला चीज़ करनी है, इसका इस्मुल फ़ाइल बनाना है. जलासा से का इस्मुल फ़ाइल क्या होगा? जालिसुन. जालिसुन, और इसके असल भी जालिसुन ही है तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है. ठीक है, तो इसका इस्मुल फ़ाइल भी जालिसुन है और उसकी असल भी जालिसुन ही है. अगला है आकला. अकला फेल है, माजी हो गया. ये टाइप कौन सी है? ये भी फेल सही है. ये सही नहीं है. इसको हम, ये हमजा वाला है, ये हमने ख्याल शायद पढ़ा तो नहीं है मेरे ख्याल में. जिस हर्फ के ऊपर हमजा होती है उसको हम महमूज कहते हैं. क्या कहते हैं? महमूज. फेल महमूज. हाँ, फेल महमूज है, लेकिन ये जिसका हमजा है ये फा वाले हर्फ है तो हम कह देंगे महमूज़ुल फा है. ओके, महमूज़ुल फा. इसकी टाइप क्या है? महमूज़ुल फा, यानी कि इसके फा वाले हर्फ के ऊपर हमजा है. अच्छा, अब इसका इस्मुल फ़ाइल क्या होगा? ये नहीं, मुझे वो फा का समझ नहीं आया. इसमें फा है नहीं है ना वर्ड में? अकल हम नहीं है. हल फेल के तीन हर्फ होते हैं. कितने हर्फ होते हैं? अच्छा, फाला की तरह थ्री वर्ड्स. हाँ, पैटर्न क्या होता है? फाला का हमजा है तो हम कहेंगे ये महमूज़ुल फा है, यानी कि इसके जो फा वाला हर्फ है हमजा, अलिफ हमजा, उसके ऊपर हमजा है. ओके, अगला इसका इस्मुल फाइल क्या होगा? फाइल का पैटर्न बनाने हमने आकिलुन. आकिलुन, ठीक हो गया. उसकी असल भी आकिलुन ही है तकरीबन तकरीबन, तो हम कह देंगे आकिलुन. अगला सवाल, साला फेल.
इसकी टाइप कौन सी है? ये सही है? नहीं, सेम चीज़ है पिछली वाली कि इसकी हमज़ा है। अब हमज़ा कौन से हर्फ के ऊपर है? फा के ऊपर है। हाँ, तो आप क्या कहेंगे ये कौन सा टाइप है इसकी? ये आइन महफूज हाँ, महमूज़ुल आइन। ठीक हो गया। ओ महमूद आइन। ओके, तो यहाँ पे जो है, मैं शायद मिस कर गया था, किसी और चीज़ में था। तो एक तो ये एक तो फैल लिखा हुआ है फाला पैटर्न पे, ठीक है। उसके बाद नऊ क्या है? नऊ इट्स टाइप, इसकी टाइप। इट्स टाइप अल मुदाअफ जो है। इसकी टाइप है। ओके, तो मुदाफ मुदाफ टाइप है, ठीक है। यस, तो इधर मुदाफ हो सकते हैं, आजवाफ हो सकते हैं, फिर ना, ना, नाकिस हो सकते हैं। नाकिस हो सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को एक और बताई है, महमूद जुल्फा, महमूद जुलाइन, महमूद जुल्लाम। अदर टाइप्स जो है ये है अजवफ और नाकिस और महमूदुल क्या? महमूज़ुल फा, महमूज़ुल ऐन, महमूज़ुल लाम। और ठीक है, नेक्स्ट ठीक तो मुझे एक यहाँ पे जो है इस्मुल फाइल मजूगा। ओके, मसूगा मिनहू। तो मुझे ये जो है आप चीज इट्स क्राफ्टेड, इस्मुल फाइल क्राफ्टेड फ्रॉम इट इज ठीक हर है। फाइल क्राफ्टेड फ्रॉम इट इज दिस इस्मुल फाइल। ठीक है, नेक्स्ट इज असलू इन। ओके, इन रियलिटी। ठीक है, तो पहले जो है जलसा, ये जो है क्या है? ये जलसा ये इसकी टाइप बतानी है, पहले टाइप इसकी क्या है? टाइप फेल, ये तो फेल फेल सही है कौन क्योंकि सा इसकी। फेल? अच्छा, हाँ, कौन सा फेल फेल है? फेल फेल सही है। कौन सा? क्यों? ये फेल सही है। आपकी आवाज़ तो कट रही है ऐसे, लेकिन ये फेल सही है। फेल सही से मतलब वो फेल है जिसके अंदर कोई अरफी इल्लत या कोई और डिफेक्ट नहीं है। ओके, तो इसको सालिम भी बता सकते, आप सालिम भी बोल सकते हैं इसको। बिल्कुल सालिम भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसका जलसा हो गया। तो जो है ये है सो इसका नऊ नऊ जो है क्या है? सही, ये फेल सही, फेल सालिम। जो नऊ है इसका, नऊ टाइप वो है, फेल सही, फेल सालिम। नेक्स्ट जो है इसका इस्मुल फाइल मसूहु मिन्हु जो है इसका हो गया जलसा अफाल। का पैटर्न होना चाहिए। ओके, ठीक है। जा जालिसुन। ठीक है, जाली सुन, और उसकी असल भी जाली सुन ही है, सैम ही है। ठीक हो गया। ओके ओके। ठीक है, नेक्स्ट इज अकला। अकला भी जो है ये भी फेल सही है? नहीं, नो, सही नहीं है। इसमें शुरू में हमजा है, ओ इसमें अलिफ आ गया, तो ये जो है अजवफ हो गया ना? नहीं, ये हमजा है, हमजा। तो हम इसको कहेंगे महमूज़ुल फा, यानी कि इसका जो फावर हल्फ है उसके ऊपर हमजा है। अच्छा, ओके, समझ गया। ठीक है, बिकॉज हमजा इज इन फा ला में जो है हमजा यहाँ पे। ठीक है, और जो नेक्स्ट इसका हो गया ओके आकिलुन। ठीक है, आ किलून सही हो गया। और असली भी वही है, दोनों सेम है। बिल्कुल सेम है, दोनों का असल भी सेम है और उसमें फाइल सेम है। नेक्स्ट इज सला, ये जो है महमूज आइन है। ठीक है, महमूदुल आइन, और इसमें फाइल। इसका फाइल हो गया साइलुन, और ठीक जो है वो साइलुन हो गया असली।
ठीक है, साइलुन और इस्मुल फाइल भी साइलुन, ये दोनों का असल और इस्मुल नहीं, फाइल सेम है। असलो असलो जो है साइलुन या आ जाएगा ना। इसका साइलुन चेक कर लेते, ठहरे। ये देखें सीन हमजा आइन है ना, अब इसका हमने बनाना है इस्मुल हमजा फाइल बनाना है, तो सीन के बाद एक हमने डाल देने अलिफ खुद से डालने हमने, फिर आ गया हमजा पहले से मौजूद है, ये आ गया हमजा, और नहीं इसमें कोई या नहीं है, इसमें हमजा पहले से मौजूद है तो साइलू नहीं रहेगा। ओके तो इसका असल और इस्मुल फाइल दोनों सेम हैं। बराबर। तो बराबर जो है यहाँ पे अलिफ जो है हमजा इस लास्ट में है, तो जो है महमूजुल लाम है। ठीक हो गया। और इस्मुल फाइल आयरुन क्योंकि हमजा क्या ऑलरेडी नहीं, कारीउन कारीउन है? ठीक है, कारी उन, और उसकी असल भी कारी उन ही है। ओके, ये लास्ट में, हमजा अलिफ है लास्ट ना, इसको इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये सब एक समय की हमजा की आप समझने चेर होती है, असल चीज होती है हमजा। ठीक है। तो यहाँ लास्ट में जो कारियून का जो या हमजा आ जाएगा। बिल्कुल, वो अली मकसूला वाला या आ जाएगा, उसकी नुक्ता नहीं होगी, वो हाँ अली वही है। मकसूला वाला होगा, कारी उन, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो बस चेर होती है। ठीक है। ओके वकफा वकफा जो ये तो जलसा की तरह लग रहा है, तो ये जो है फेल सा सही होगा। नहीं, ये इसके शुरू वाह में वाह वाव है। सॉरी वाह है। हाँ हाँ जी, वाह आ गया, तो जे वाह आया तो जे इधर ये होना चाहिए आपको अजवफ या नाकिस। नाकिस के तो आपको नाकिस कैसे पता चलता है अजवफ या नाकिस है? जी, कैसे मालूम पड़ेगा कि अजवफ या नाकिस है? ये हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो वैसी करेक्ट ग्रामर वो होती है, फिर आपको और कंफ्यूज हो जाएंगे, ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी पता है, वो बस एक किस्म का वो खुलासा सा दिया था, मैंने कहा था खुलासा काफ़ी है आपके लिए। अच्छा। इस्मुल फाइल इस वाकिफुन, दोनों असल भी वही है। ठीक है, वाकफा सही है, फेल सही। वकफा वो है, क्या कहते हैं इसको, नाकिस है, नाकिस। सही नहीं है क्योंकि सही में वाव नहीं होता, अले वाव या नहीं होती। इनका आप यूं भी कह सकते हैं कि खाली इस्मुल फाइल भी बताने को कोई मसला नहीं है, मेन चीज़ हमने जो सीखनी है वो इस्मुल फाइल है। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, अगर चाहें तो दूसरा टाइप वो भी कर लें, मैं आपको हर एक के टाइप अभी बता देता हूँ, आप याद करनी है तो याद कर लें, वरना कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है। शक्का अब फर्ज की एक और चीज़ भी हमने पढ़ी थी, वो इनके अंदर की सब कैटेगरीज पढ़ी थी हमने, मिसाल वाली और फलानी, वो अगर पहले होगा तो ये नाम होगा, वो बाद में होगा तो ये नाम होगा, ये चीज़ भी आप शायद याद हो, आपने पढ़ी थी, लेकिन वो कोई फायदा नहीं है उसका। अच्छा अच्छा ठीक है। तो शक्का ये मुजफ है श्रद्धा की वजह से, ठीक है, और इसका फेल है, इस्मुल फाइल है इसका ठीक है, शा शाकुन शाकुन गलत, शाकुन है। शाकिन, और एक अजफ हो जाएगा बीच में से, शाकिन। ओके तो इसमें दो जेर आएगा नीचे। बिल्कुल, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट ताबा, और इसका असली है शक्का का शाकिकुन,
इसका जो असल होता है वो होता है शाकिकुन। ओके। ताबा तौबा से है, बिल्कुल ताबा ताबा इसमें अलिफ आ रहा है, तो ये आइन महफूज से आइन नहीं, इसमें हमजा नहीं है, आइन। हमजा नहीं है, तो इसको हम सिंपल कह देंगे अजफ, अजफुल वाओ कहते हैं इसको वैसे। अजफुल वाव, ओके। तो इसका इसमें फाइल क्या होगा? इसका तौबा करने वाला, तो उसका ताबुन तवाब इसका जो असल है वो है तब। तावीबुन, बीच में हम वो आ जाता है जो इसका असल हर्फ है, तो तावीबुन है, लेकिन वो मुश्किल है तो हम कह देंगे ताईबुन। ताईबुन, यस, ता इबुन। ताईबुन। और असल इसका था ता इबुन, वी इबुन। ताईबुन, हमजा आ जाएगा यहाँ पे बीच में, ताईबुन। बिल्कुल, हमजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है। वाबा है, वाबा ही वॉज एबसेंट। अच्छा। अगर लाइक गायब से है, मजाब से, इसमें अलिफ आ रहा है तो ये सही नहीं है, तो ये एफ महसूस ऐन है। इसको अजवफुल या कहते हैं, इसके असल में या है, ठीक है? जो जो किया, ओके, इसका असली में या है इसलिए, बिल्कुल, तो तो इसलिए इसको असली में अजवफुल या कहते हैं। इसको इसके जो टाइप है वो है अजवफुल या, लेकिन उसको छोड़ ही दें तो अभी फिलहाल। ठीक है। इसमें फाइल का शफा, गाइबुन, इसमें फाइल क्या है इसका? गाइबुन। आई ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद शफा, शफा का है, शफा सही है। उसने शिफा दी, अच्छा सही, फेल सही है। ये नाकिस है, इसका जो आखिरी हर्फ है उस पे डिफेक्ट है, तो हम उसको कहेंगे फेले नाकिस। तो नाखिज मतलब लास्ट वर्ड पे इफेक्ट होता है। अच्छा उस पे ज़रूरी नहीं है लास्ट पे, दरमियान में भी हो सकते हैं, वो डिपेंड अच्छा करता है। इसकी नाकिस की भी आगे टाइप्स होती हैं। अच्छा तो ये शफा मतलब हीलिंग, और वन हुई शाफी उन। ठीक है, शाफी उन, वो शाफी ना, इसका सिंपल होगा शाफिन, अगर शाफिन अलिफ ना। सही, शाफिन है। बिल्कुल, शाफिन, करेक्ट। उसके बाद रजा, रजा है, रजा। रजा भी फेल नाकिस है। अच्छा जी, इसका इसमें फाइल क्या होगा? राजिन, ठीक है, राजिन। ओके, इसका राजिन का मतलब क्या है? रजा ही रिवोक्ड। ही अच्छा होप्ड, HOPED, होप्ड। अच्छा ही होप्ड, ओके ही होप्ड। اعتام للمثال لاسم المفعول المسوغ من الفعل الأجر الواو ثم أكمل الناقص، وہ کہہ رہے ہیں اس مثال پر غور کریں، اسم المفعول کی، اسم المفعول ابھی ہم نے نہیں پڑھا گرامر میں، تو اس اچھا کو یہاں سے ابھی تو میں سمجھتے مجدد بھی چلے گئے ہوں گے میرے خیال میں۔ چلیں हाँ जी चलेंगे। پھر آپ وہ قرآن والا سنا دیں مجھے، بغیر قرآن کی طرف دیکھیں نا، آپ مجھے شروع سے سورہ بقرہ سنائیں، قرآن کی طرح آپ نے نہیں دیکھنا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، الف هدى لام، شروع میں الف لام میم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين،
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليكم إليك وما أنزل بما قبلك. اچھا ایک منٹ رکے ذرا، یہ آپ نے نا دوبارہ اس کو یاد کرنا ہے، اوکے؟ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے یہ جو دو آیات آگے پڑھی تھی ان کا آپ دیکھ کے پڑھیں ان کو، اور ان کا مجھے آ لفظ کا مطلب علیحدہ علیحدہ کر کے بتائیں. انا از انڈیڈ، یا بے شک، الذین، جو لوگوں نے کفر و کفر کیا، سوا ان برابر ہے، علیہم ان پر، آنگ زرتا ہم کہ آپ انہیں ڈرائے، ام لم یا نہیں ڈرائے. ٹھیک ہے، لم تنذر ہم یا نہیں ڈرائیں. اوکے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے آئیں گے. ٹھیک ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر ہے، مہر لگا دیا ان کے دلوں پر، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، اللہ نے مہر لگا دیا. وعلی سمعہم، اور ان کے ہیئرنگ پہ، ٹھیک ہے، سماعت پہ، ہیئرنگ پہ. ٹھیک ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کے ویژن میں غشاوہ ہے، پردہ ہے. ولہم، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے. ہاں، ایک عظیم عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، گریٹ عذاب ہے. اوکے، اچھا یہ دو آیات آپ نے کہا تھا یاد کی ہیں آپ نے، یا آپ نے اکٹھی کی بیٹھ کے یاد کی ہیں، یا وہ جو نماز والا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس طریقے سے یاد کی ہیں؟ میں الگ سے یاد کر لیا جب ٹائم یاد کر لیا. ٹھیک ہے، کتنا ہی ٹائم لگا تھا ان کو یاد کرنے میں؟ زیادہ نہیں، بس میرے خیال سے 15 منٹ لگے. ٹھیک ہو، ابھی یہ سنا سکتی ہیں زبانی مجھے؟ جی جی، سنا سکتی. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ٹھیک ہو گیا، ابھی ہم نے، چلو یہ شروع میں تھوڑا ابھی ہے قرآن انشاءاللہ، لیکن جب زیادہ ہوگا تو اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے، ریویژن بہت ضروری ہوتی ہے قرآن کی. حدیث بھی ہے کہ اگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ اس کو دہرائی نہیں کرتا قرآن کی، اس کے ذہن سے قرآن نکل جاتا ہے بہت تیزی سے. تو کوئی، آپ دونوں نے کوئی کیا اپنا کہ ڈیسائڈ کہ کس طرح اس کو ریویژن کا کیا